हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। यूपी बोर्ड एग्जाम 2021, योगी सरकार का बड़ा फैसला, 10 और 12वीं बोर्ड एग्जाम अगले आदेश तक स्थगित। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। यूपी बढ़ते संक्रमण के कारण सीबीएसई ने भले ही अपनी परीक्षाएं टाल दी हैं, लेकिन यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारियाँ बसदस्तूर चल रही हैं। हालांकि परीक्षा में शामिल हो रहे 56 लाख से अधिक छात्र छात्राओं और शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए शासन ने शिक्षकों और कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगवाने के आदेश दिए हैं। विशेष सचिव शासन उदय भानु त्रिपाठी ने सभी डीएम माध्यमिक शिक्षा निदेशक सचिव यूपी बोर्ड संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को मंगलवार को आदेश भेजा है कि बोर्ड परीक्षाओं में ड्यूटी करने वाले एवं आयु के अनुसार वैक्सीन के लिए पात्र शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को टीकाकरण उत्सव के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगवाई जाए। सचिव यूपी बोर्ड दिव्यकांत शुक्ल का कहना है कि शासन से आदेश मिले हैं, उसके अनुपालन में परीक्षा में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों को टीका लगवाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। जिले के अफसरों को इस संबंध में आदेश भेजे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह पोस्ट कर दीजिए, ताकि आप लोग को कंफर्म न्यूज़ मिल सके। थैंक यू।